दिया खाना। आप क्या लाया मम्मी? पालक पनीर। गोली दे दी पालक पनीर बोल के पालक ही पालक दे दिया। तो गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है? और अभी बज रहे हैं 9:21 19 तारीख आज। तो मेरे को अपनी कोरोना की रिपोर्ट मेरी पता नहीं आई नहीं रही है यार, क्या हो गया पता नहीं, वहाँ पे अटक गई है, तो वो लेने जाना है। तो अभी मैं घर से जरा निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मम्मी आ रहा हूँ मैं 15 मिनट में, ठीक है? चाय पी रही हो? चाय की चुस्की मारी जा रही है सुबह सुबह। आज धूप भी अच्छी खासी आ रही है, कोहरे का मौसम था सुबह सुबह, मैं जरा गाड़ी की प्रैक्टिस कर रहा था आज, बुन बुन बुन। तो ये सीन है, अरे यार ये मेरी गाड़ी के ऊपर कौन रख देता है, हाथी के ऊपर ये कौन रख देता भाई। तो अगर मेरी रिपोर्ट मिल जाती है मेरे को, तो मेरे को जाना पड़ेगा आज फिर सीधा सीधा ऋषि के हवाई जहाज बना देता आज इसका, जैसे कि मम्मी कहती है कि इसे उड़ाया मत करा कर, चलाया कर, वही सीन करना पड़ेगा। मैं तो चप्पल ही पहन के आ गया हूँ सॉक्स के ऊपर, वो भी उल्टी सॉक्स। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें, अगर आपको कोई टोक देता है तो आप उस टोकी हुई बात को फॉलो कर ले। मम्मी ने मेरे को टोक दिया था जूते के लिए, मैंने जूते पहन लिए। चलो मैं जा रहा हूँ। लो जी गाइस, सुबह सुबह निकल चुके हैं बाजी रास्ते। तो सबसे पहले पहले बड़ों को नमस्कार, सूर्यदेव आ गया। अरे क्या बात है, ये हमारी गली के चीते हैं, इन्हें हम कहते हैं बॉडी बिल्डर। चलो सुबह सुबह की बात है, रोड खाली मिलती है और मज़ा आता ही है। हम चलते हैं सैडल करते हुए यहाँ पे, क्या ही मज़ेदार मज़े लेते हैं, होश ना खो दे, ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है। अगर मेरी रिपोर्ट आ गई तो मैं आ जाऊंगा ऋषिकेश, अगर नहीं आई तो आज का प्लान करना पड़ेगा कैंसल। ये आ गए हम, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट लगते हैं मेरे को आने में इस वाली बाइक। तो सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पे क्या है कि रिपोर्ट आपको फोटो खींच के ले जानी पड़ेगी। वैसे तो मेरे को पता था मेरा नेगेटिव है और नेगेटिव ही है, बट आपको यहाँ पे रिपोर्ट खींच के ले जानी पड़ेगी और वो आपको वहाँ पे फोटो स्टेट निकाल के जो भी करना है आप सबमिट कर दीजिए, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ ये है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन वाला कोई सिस्टम नहीं मिलेगा। आप जल्दी से फटाक से चल ही लेते हैं ऋषिकेश, क्योंकि भाई आज काम खत्म करो, निपटाओ और चलो घर, अब ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो गाइस जस्ट अभी मैं अपनी कोरोना की रिपोर्ट लेके आया हूँ और जहाँ तक भी मेरे को पता था वो नेगेटिव ही जाएगी। तो गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है? मेरे को लगता है जहाँ तक ये होंगे बढ़िया। मम्मी बर्तन फोड़ लो यार तुम पहले। हाँ हंस भी लो। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है? जहाँ तक मेरे को लगता है बढ़िया ही होंगे। तो आज का दिन आपका भी बढ़िया ही जाना चाहिए, मेरा तो बढ़िया जाएगा क्योंकि मेरे को अभी जस्ट अभी जाना है ऋषिकेश। अरे कॉलेज जा रहा हूँ। हाँ तुम चलो नाश्ता पकड़ा दो, चलोगे क्या तुम मेरी फटफटी पे? उड़ा के ले चलूंगा जैसे उस दिन कह रही थी हवा में उड़ा के ले चलेगा। अरे वो तो सपना था मेरा। पूरा होगा वो भी। नहीं नहीं अपने हाथी पे तुम्हें उड़ा के ले चलता हूँ। अरे इतना सपना था, सड़क नहीं दिख रही थी वहां तो कोई। लो भाई सपने की असलियत तो तुमने मम्मी की जुबानी नहीं सुनी थी, मम्मी कह रही कि सड़क ही नहीं थी हवा में ही उड़ रहे थे हम। चलो यार नाश्ता कर लेता हूँ मैं फटाक से, फिर आपको मिलता हूँ सीधा बाइक पे। चलता हूँ, धनराशि की वर्षा कर दो थोड़ी सी। ये लो धनराशि की वर्षा हो गई है, इससे आज हम जाएंगे ऋषिकेश। और सुबह सुबह कितनी गंदी धूप हो रही है, मैंने फिर भी 3 लेयर डाल रही है, मम्मी मानती नहीं है। मम्मी कहती है भाई कपड़े पहन ले कपड़े पहन ले। अपने घर वाले दो चीज़ों के लिए कभी नहीं मानेंगे, एक तो बाल तेरे कभी छोटे नहीं होते, मैं कितनी बारी भी कटवा के आ जाऊँ भाई मेरे बाल इतने छोटे कटवा के आ गए थे एक बार, फिर भी कह रहे ना जब तक खुद हाथ से बिल्कुल गंजा ना कर देना तब तक इन्हें लगता ही नहीं छोटे हुए। और दूसरा भाई ठंड, पूरा हरिद्वार बना दिया, हरिद्वार में होता क्या क्या, पहाड़ है बर्फ वाले, ये देखो झरने वरने दिखा दिए यहाँ पे, महाकुंभ 2021 तीर्थ नगरी हरिद्वार। अभी देखो लोगों को पता ही नहीं कि क्या क्या काम हुआ यहाँ पे। अब देखो जैसे हम लोगों को पार होना है, ये देखो भाई पहला फ्लाईओवर, अब हम डायरेक्ट वहाँ जुड़ेंगे, फ्लाईओवर टू फ्लाईओवर चलेंगे। ये अपनी ऑफ रोड बाइक का फायदा उठाते गए, पूरा जाम काट दिया। ओ भाई साहब इसके पाइप पीछे को ना निकल जाए, मेरे को तो ये डर लग रहा है, या तो इससे आगे रहो, पीछे रहने में तो डर ही है भाई, एक झटका और पाइप गया, निकलने में ही फायदा है। दिस इज कॉल्ड श्यामपुर गांव। चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो। लो जी आओ जरा त्यागी जी को धप्पा कर दिया जाए, हम उन्हें बुलाते हैं त्यागी जी, उनका नाम है वैसे शुभम त्यागी पर हम उन्हें बुलाते हैं त्यागी, एक हमारे सैफ भाई हैं उन्हें हम बुलाते हैं लक्सर।
आज आपको इन दोनों से मुलाकात कराते हैं वापस। जैसे तैसे कैसे पहुंच ही गए। ये क्या है? This is cool to cut गया हमारा। तो जी त्यागी जी से बड़ा कोई धोखेबाज नहीं देखा हमने। मैंने कहा था कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाइयो भाई। चलो यार साहब भाई के पास चलते हैं, जरा फटाफट काम करवा लेते हैं। हटे तो साहब भाई को दप्पा मारते आज। Oh my God, क्या बात है, नाश्ता दे जा रहे भाई। चलो भाई नाश्ता करते हैं लक्सर भाई की तरफ से। लो काम तो निपट गया हाँ पूरा का पूरा। ये देखो सैफ भाई के कमरे में खड़े हैं। इनका कमरा तो देखो कितना गजब है, पूरी नीली पताई करी है खुद ही खुद इन्होंने बैठ के। सही है यार, एक मिरर ऐसा सोच रहा हूँ मैं भी लगवा लूँ अपने कमरे में अपना ब्लॉग बनाने के लिए, ऐसे करके बना लो बढ़िया लगता है। ये हमारे यहाँ की टॉपर है वैसे, पर हम पढ़ाई तो करते नहीं बिल्कुल भी 1% भी। लाओ टोपी लाओ यार, टोपी है चला पहन के देखते हैं। इसे पढ़ने दो, चल थैंक यू बाय बाय। अपने गाने की शूटिंग यहीं कर लूं। स्वैग मेरा देसी, देसी वाली टोपी मैंने कर ली चला दी। तो हमारे साथ आए हैं पहाड़ों के चैनचा, इनको ताज पहनाया जाए। नहीं नहीं बस गर्मी बहुत हो रही है, धूप ऐसी चिलमिला रही है। मैं तो सोच रहा हूँ घर निकलता हूँ वरना पिघल जाऊंगा, यहीं किसी रोड पे पड़ा हुआ मिलूंगा फिर। चल फिर सैफ चलता हूँ मैं। चल ठीक है चल ओके मिलता हूँ बाइक पे सीधा। हाँ तो चलो यार निकल चुके हैं ऋषिकेश से, अभी हो रहा है 12:35 हो रहे थे। कहा चलो यार काम होना चाहिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। पर ये दिक्कत हो जाती है कभी कभार, जरा जरा सा काम कराने के लिए पूरा 30 किलोमीटर आना पड़ता है। मतलब आधा पौन घंटा अपना बर्बाद करो फिर यहाँ तक आओ, फिर आधा पौन घंटा बर्बाद करो फिर यहाँ से जाओ। मैं अपना बीच में मस्त धूप सेक रही है एकदम। वह भाई आज क्या हो रहा है। वो बसें जो आ रही है यूपी के साइड से, ओ भाई साहब क्या धूल मिट्टी है। धूल मिट्टी का फेस पैक लगवा लीजिए यहाँ पे, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। तो गाइज अभी अभी पहुंचा हूँ, टाइम हो रहा है 1:23। बहुत टाइम लग गया यार आज आने में, मतलब 45 मिनट्स के आसपास लग गए। और यहाँ भाई मम्मी क्या कर रही है, मम्मी जी आ रही है खाना। क्या बनाया मम्मी? पालक पनीर। ये पालक पनीर, आज तो भाई पालक पनीर फेलेंगे। अब फिर करूंगा मैं व्लॉग एडिट कल वाला, क्योंकि भाई कल वाला एडिट करना है फिर ये वाला एडिट करके डालना है, तो 2 दिन के व्लॉग मेरे पास इकट्ठे हो गए, बहुत सारा काम हो गया। तब तक तो देख लिया होगा आपने जब तक ये व्लॉग आ रहा होगा। मम्मी कह चलो एक ट्रिप पे मम्मी को लेके चलते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ मैं और मम्मी से पूरी प्लानिंग करके, मम्मी का मन कर रहा है मार्च में वैष्णो देवी जाने का। वैसे अभी चल सकते हैं, अभी छुट्टियाँ भी हैं, फिर मार्च में मेरे पेपर होंगे। आज तो भाई खाने में बना पालक पनीर, पनीर का है इसमें। गोली दे दी पालक पनीर बोल के पालक ही पालक दे दिया। ये जो तुमने स्कैम किया है ना, पालक पनीर बोल के पालक पकड़ा दिया, ये वाला स्कैम हर बच्चे की मम्मी करती है। पालक पनीर बोल के मेरे को साग पकड़ा दिया। साग ही तो बनाया हमने। पालक पनीर नहीं, तुमने बोला वीडियो में रिकॉर्ड है, सबको पता है, पता है ना आप लोगों को, कमेंट डाउन करो मम्मी ने दिया धोखा। अब नहीं मानते बिल्कुल भी। ओह तो खाना खाने के बाद इतना आलस आता है ना, मैं तो रबड़ी खा रहा हूँ ना, धूप सेक के मस्त इसके बाद बैठूंगा एडिटिंग पे, और फिर मस्त थोड़ी देर सो के अपना जिम चले जाऊँगा। तो मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग को यहीं एंड कर देता हूँ रेवड़ी के साथ। तो जहाँ तक मेरे को लगता है आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया तो क्या करना मम्मी, लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।